बौद्धांचा स्वतंत्र कायदा व्हावा यासाठी अनेक वर्षांपासून ऑल इंडिया ऍक्शन कमिटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल या संघटनेच्या वतीने प्रयास सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून इतर धर्मियांप्रमाणे बौद्धांचा स्वतंत्र कायदा शासनाने करावा यासाठी 200 पानांचे अभ्यासपूर्ण बिल कानून मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांच्याकडे जुलै 2018 सादर करण्यात आले. त्याविषयी विचारमंथन व्हावे यासाठी ऑल इंडिया ऍक्शन कमिटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने रविवार दिनांक 25 ऑगस्ट 2024 रोजी सखा मंगलम यशोदानगर येथे बौद्धांचा स्वतंत्र कायदा व्हावा या सहविचार सभेचे आयोजन करण्यात आले. मैं यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है अमरावती के बुद्धिस्टों के द्वारा. ऐसा हम लोग है जो दिल्ली से, मुंबई से, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल बोर्ड का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे साथी गण भी यहाँ साथ उपस्थित हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, मुंबई से और अदलाबाद से. तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि बौद्ध कानून नहीं है, इस कारण से जो बाबा साहब का 14 अक्टूबर या धन विजयादशमी के दिन सभी को बौद्धमय भारत बनाने के लिए बुद्धिस्ट बनाने के लिए जो अभियान था वो उनके जाने के बाद अधूरा सा हो गया है. हालांकि हम लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, उसके रीति रिवाजों को, आचार विचारों को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व के लोगों ने और आज भी लोग बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं. उस प्रयास में एक प्रयास ये है कि कानून बौद्धों का न होने से कानूनी रूप में हम लोग सब हिंदू हैं, तो ये बाबा साहब के उस मिशन का विरोध हो जाता है कि बाबा साहब ने 56 में हम लोगों को बौद्ध धर्म दिया लेकिन कानूनी रूप में हम वही हैं. तो फिर वो, क्योंकि कानून का राज चलता है हमारे देश में, हमारे देश में संविधान है और कानून है जो बाबा साहब ने हमको सबको दिया है कि कानूनी अधिकार न्याय के लिए मिलना चाहिए. तो चूँकि कानून हमारे पक्ष में नहीं है इसलिए बहुत सारी हमारी जो बौद्धों की संपदाएँ हैं, निजी हों, प्राचीन हों, कोई भी हो, वो कानूनन आपकी नहीं है. इसलिए इसको बचाने के लिए हमारे जो कल्चर रीत रिवाज हैं, ब्याह शादी हैं, अंतिम संस्कार हैं, भाषा है, साहित्य है, विचार है, इसको भावी पीढ़ियों के लिए जिंदा रखने के लिए अमरावती के जो क्षेत्र के या आसपास के लोग हैं कि हमारे बहुत सारे हम लोग खिलाफ करते हैं बौद्ध धर्म प्रचार, लेकिन उनके लिए आप आए. आप लोगों ने मुझे किया कि पिछली 3-4 साल में आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन विधि आयोग को और कानून मंत्री को हजारों की संख्या में भेजे. 14 अप्रैल को आप लोगों ने कैंप लगा के भेजे. ये बाबा साहब का एक रेवोल्यूशनरी वर्क जो आपने पूरा किया, उस कारण से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बनने जा रहा था की बात आपने 2-3 साल से सुन रहे हैं कि समान नागरिक संहिता गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो उसमें बौद्धों को रिप्रेजेंटेशन के रूप में बुलाया गया. नहीं तो आपको कोई नहीं बुलाता. अगर हजारों चिट्ठियां आपकी न जाती उत्तर प्रदेश से और आपके महाराष्ट्र से, हालांकि बहुत लिमिटेड क्षेत्र से गई हैं और भी जाना चाहिए था, तो अब उसमें बुलाया और 13 पिटीशंस जिसमें 5 बंगाल की हैं और बाकी 4 यूपी की हैं, 1-2 मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन आप में से जो बड़ी संस्था है, आप में से जो बड़ी संस्था, वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी. चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कह लीजिए, चाहे समन्वय समिति भी कह लीजिए, उनको सब भेजा गया लेकिन उन्होंने पत्र नहीं भेजा. तो पेशा ये है, समस्या हमारा आपकी ये है कि जिनका काम था वो काम नहीं कर रहे हैं, मजबूर है हम लोगों को काम करना पड़ रहा है ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ सब कमेटी या बोर्ड के माध्यम से. हमारा उद्देश्य ये था कि अगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस केस को टेकअप करे, क्योंकि बाबा साहब की वो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेहतर उसका संदेश जाता और लोग उसके नीचे इकट्ठे भी होते, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं, वो समस्या को निपटने में लगे. तब तक क्या हमें चुप बैठना चाहिए? क्योंकि केस मुकदमा भी आपने देखा होगा, 30 साल तक मुकदमा आपस में लड़े. अब हमारी यह है कि ऑल इंडिया एक्शन कमेटी ब्रिटिश पर्सनल लॉ ये काम कर रही है और इसके साथ साथ हमारे कुछ सहयोगी संगठन हैं वो भी इसके साथ हैं, जिनको ये